चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके ने वीरवार 5 मई 2022 को अपने नए अभियान पर जारी सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है। बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक रणनीति का ऐलान किया। प्रशांत किशोर ने अपने जन स्वराज के बारे में बताते हुए कहा कि मैं बता दूं कि मैं कोई भी राजनीतिक दल नहीं बनाने जा रहा हूं, कोई भी नई पार्टी नहीं बनाने जा रहा। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा कि अगले 3 महीने में हम उन 17,000 लोगों से संवाद करेंगे जो बिहार को बदलने की सोच रखते हैं और उनसे समझने के बाद हम फैसला करेंगे कि राजनीतिक दल बनाने की जरूरत है या नहीं। जरूरत हुई तो हम नई पार्टी बनाएंगे। वो सिर्फ प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी, बिहार के लोगों को जन स्वराज के बारे में बताएंगे। बिहार की तरक्की के लिए नई सोच की जरूरत है। कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी बनाने वाला हूँ या मैंने कोई राजनीतिक मंच बनाया है, ऐसी कोई घोषणा मैं आज नहीं करने वाला हूँ। मेरी कोशिश ये है और मेरी भूमिका आने वाले दिनों में ये होगी कि ये जो लोग जो जिनको मैं कह रहा हूँ, जो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं और जो यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के समस्याओं को समझते हैं, उनमें से एक बड़ा तबका उनसे मिलना, उनसे समझना और उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना पहली मेरी भूमिका का पहला जो लक्ष्य है वो ये है। मैं मेरे साथियों के साथ पिछले 4-5 महीनों से हम लोगों ने करीब 17,000 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, उनसे संपर्क बनाया है। आने वाले 3-4 महीनों में मैं व्यक्तिगत रूप से इनमें से ज़्यादातर लोगों से मिलने वाला हूँ, उनसे बात करने वाला हूँ और जो जन सुराज की सोच है, गुड गवर्नेंस की जो सोच है और आगे उसको बिहार में उतारने के लिए, बिहार में उस चीज़ को, उस अवधारणा को जमीन पर लाने के लिए जो करने की ज़रूरत है, इस संबंध में उनसे मिलकर उनसे बात करने वाला हूँ। अगर इनमें से एक बड़ा वर्ग 2,000, 5,000, 3,000, मैं कोई संख्या अभी आपको एक संख्या नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसमें से बड़ी संख्या में लोग अगर एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म या एक अभियान के तहत जुड़कर आते हैं और वो मिलकर ऐसा तय करते हैं कि हमें किसी राजनीतिक संगठन या पार्टी की ज़रूरत है, तो उस पार्टी की घोषणा उस समय करी जाएगी। अगर वो पार्टी बनती भी है तो वो पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी होगी, ऐसी बात नहीं है। वो उन सबों की पार्टी होगी जो इस परिकल्पना से जुड़कर इस राजनीतिक संगठन के निर्माण में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगले 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से वो चंपारण से 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और लोगों से मिलेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि विकास के मानकों में बिहार पीछे, विकास के लिए रास्ता बदलना होगा। चुनाव की कोई परिकल्पना मेरे मन में नहीं है, मेरा पूरा फोकस बिहार के लोगों से जाकर मिलना और उनकी बात समझना है। प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 पॉइंट रखे हैं। उन्होंने कहा, अगले 3 से 4 महीनों के अंदर 18,000 लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, जन स्वराज की परिकल्पना के बारे में चर्चा करना मेरा पहला लक्ष्य है। उन्होंने आगे कहा कि अगर इनमें से एक बड़ा वर्ग साथ आए, एक प्लेटफॉर्म के तहत जुड़कर आते हैं और मिलकर तय करते हैं कि किसी पार्टी की जरूरत है, तो उस समय पार्टी की घोषणा की जाएगी। अगर पार्टी बनती भी है तो प्रशांत किशोर की पार्टी होगी, ऐसी बात नहीं है। वह उन लोगों की पार्टी होगी जो उससे जुड़े होंगे। अगस्त या सितंबर तक ये काम कर लिया जाएगा। बिहार के लोगों तक पहुंचना मुख्य काम है। इसके लिए मैं 2 अक्टूबर से खुद पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। जब तक बिहार के सारे गांव, गली मोहल्ले तक पहुंचने का काम पूरा न कर लिया जाए, बिहार के हर उस व्यक्ति के घर जाएंगे जो हमसे जुड़ना चाहता है। 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। जब तक बिहार के सारे गांव, शहर, गली मोहल्ले, जो महत्व जितने लोगों को व्यक्तिगत तौर पर पहुंचा जा सकता है वो पूरा न कर लिया जाए। हम लोग का अनुमान है कि 3,000 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर एरिया हम कवर कर पाएंगे। संभव है कि अब 3100 अंत होते होते 3100 हो जाए, या संभव है कि 2950 हो जाए, लेकिन मोटे तौर पर 8 महीने से 1 साल के बीच में 3,000 की व्यक्तिगत पदयात्रा मैं खुद करूंगा। बिहार के हर वो व्यक्ति जो
जो जिनसे मिलना जरूरी है, जिनसे मिला जा सकता है, जो मिलने को तैयार है, उनके घर जाएंगे, उनके ऑफिस जाएंगे, उनका कुंडी खटखटाएंगे, उनको इस जन सुराज की इस परिकल्पना से जोड़ने का प्रयास करेंगे। उनकी सोच, उनकी भावना के अनुरूप जो आगे बिहार के लिए किया जा सकता है उसको अपने प्रोग्राम और अपने परिकल्पना में समाहित करेंगे। प्रशांत किशोर ने आगे पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, जो कुछ भी मेरे पास है वह पूरी तरह से बिहार की बेहतरी के लिए समर्पित कर रहा हूं। कोई सवाल नहीं है बीच में इसे छोड़ने का, कोई सवाल नहीं है कि कोई बाधा आए तो इसे छोड़ने का। कुछ लोगों के मन में सवाल है कि आपने बिहार की घोषणा की और वापस एक महीने के बाद बिहार नहीं आए। बात बिहार की है, घोषणा फरवरी 2020 में की गई थी। मार्च 2020 में कोविड की वजह से हर जगह लॉकडाउन और पूरी तरह जीवन अस्त व्यस्त रहा। कुछ लोग कह सकते हैं कि कोविड में पश्चिम बंगाल में काम कर सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं। वो इसलिए बंगाल में किसी बनी बनाई व्यवस्था के साथ काम करना था, बिहार में एक नई व्यवस्था बनानी है। यहाँ 2 साल 3 साल 4 साल काम करना पड़ेगा। कब चुनाव लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, अभी इसकी कोई परिकल्पना मेरे मन में नहीं है। मेरा पूरा फोकस अभी बिहार के लोगों से मिलना और उनकी बात को समझना है। मेरे पास कोई मंच नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, बस एक सोच है। मैं पूरी तरीके से जो कुछ भी मेरे पास है, जो भगवान ने मुझे बुद्धि शक्ति दी है, वो पूरी तरीके से बिहार के बेहतरी के लिए उसको समर्पित कर रहा हूँ। कोई सवाल नहीं है बीच में इसको छोड़ने का, कोई सवाल नहीं है कि इसमें कोई भी बीच में बाधा आए तो उससे घबराकर पीछे हटने का। आप में से कुछ लोगों के मन में पिछली घोषणा जो मैंने बात बिहार की थी उसको लेकर है कि आपने बात बिहार की घोषणा करी और फिर वापस एक महीने के बाद आप बिहार नहीं आए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बात बिहार की घोषणा फरवरी 2020 में करी गई थी। अनफॉर्चुनेटली मार्च 2020 में कोविड के वजह से हर जगह लॉकडाउन और पूरा जीवन अस्त व्यस्त 2 साल तक रहा। अब आप कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोविड के दौरान आप बंगाल में काम कर सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं। वो इसलिए कि बंगाल में किसी बनी बनाई व्यवस्था के साथ काम करना था, बिहार में एक नई व्यवस्था बनानी है। बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए मुझे 2 साल 3 साल 4 साल उसमें काम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं है, तो इस तरह के जिनके मन में सवाल है कि कौन सा इलेक्शन लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, उसकी कोई परिकल्पना मेरे मन में अभी नहीं है। जैसा मैंने ट्वीट के माध्यम से बताया है, मेरा पूरा फोकस अभी बिहार के लोगों से जाकर मिलना, उनकी बात को समझना और जो जन सुराज की एक परिकल्पना है इसके साथ उनको जोड़ना है। मेरे पास कोई मंच नहीं है, अभी कोई पार्टी नहीं है, एक सोच है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।